संजय गांधी अस्पताल के ब्लड बैंक में आए दिन हो रही मरीजों के परिजनों को परेशानी, नहीं दे रहा अस्पताल प्रबंधन ध्यान। विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल के ब्लड बैंक में हो रही परेशानी को देखते हुए सतना ब्लड बैंक खोला गया, क्योंकि ब्लड बैंक के आसपास दलालों के चक्कर में फंसकर मरीज के परिजन परेशान होते थे, लेकिन उसके बाद भी समस्याएं कम नहीं हुई। संतोष शर्मा ने अपने मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर डॉक्टरों द्वारा मरीज को ब्लड चढ़ाने की बात कही गई। जब संतोष ब्लड लेने गए तो उन्हें अस्पताल में ही मौजूद सतना ब्लड बैंक भेजा गया, जहां पर उन्होंने पैसे से ब्लड खरीदा और उन्हें ये कहा गया कि अगर ब्लड नहीं चढ़ेगा तो उसे लौटाकर उन्हें पैसा वापस कर दिया जाएगा। संतोष जब अपने मरीज को ब्लड चढ़वाने के लिए गए तो डॉक्टरों ने कहा कि ब्लड की पूर्ति हो गई है और अब ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं है। संतोष जब ब्लड बैंक ब्लड को लौटाने के लिए गए तो उनसे ब्लड वापस नहीं लिया गया और ना ही उसका पैसा लौटाया गया, जिसके बाद उसकी ब्लड बैंक वालों से काफी कहासुनी हुई। मेरा नाम संतोष शर्मा है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मेरा पेशेंट कल लेबर रूम में भर्ती की थी, जो ब्लड के लिए डॉक्टर बोला था वो लोग वहाँ ब्लड बैंक में मैं गया तो बोला कि यहाँ नहीं है, वहाँ चले जाओ सतना ग्रुप वाले भी अभी हाल में खोले हैं। मैं तो बहुत दिन से यहाँ आता हूँ, लेकिन ये ब्लड का यहाँ मैं ग्रुप नहीं देखा था। अपने हॉस्पिटल में बैंक का वो था, वहाँ मतलब चेंजिंग में मिलता था मुसीबत में, और ये लोग पैसा जमा करा लेते हैं पेशेंटों से और ब्लड डॉक्टर नहीं भी मांगता तो भी पैसा जमा करा लिए, फिर ये बोले कि पैसा रिटर्न कर लेंगे नहीं चढ़ेगा तो। अब ब्लड नहीं है पेशेंट को है चढ़ना, तो आप रिटर्न नहीं कर रहे हो भाई, उसकी पूर्ति हो चुकी है, डॉक्टर बोले हम नहीं चढ़ेगा ब्लड, ऑपरेशन के समय लगना था नहीं लगा, तो इनको रिटर्न कर लेना चाहिए। इन्होंने कहा था? ये इन्होंने कहा था ऐसा? अरे ऐसा नहीं है, ऐसे यहाँ पे जब लिखवाया ये रसीद दिखा, ये रसीद दिखाइए, रसीद दिखा दिया ना, नहीं आना था आपको, रसीद कटी थी। अरे तुम जमालू में ब्लड रखा हुआ है, आपका ब्लड यहाँ पे रखा हुआ नहीं चढ़ा, तुम क्या हॉस्पिटल में दलाली के लिए अजमोर रखे हो, खून के लिए कोई परेशान आदमी मिलता है रूम में गया, कोई गया वहाँ बताया कि ब्लड बैंक में गया, बोले सतना ग्रुप में जाओ, क्यों भेज दिया ग्रुप वाला? वो उनसे पूछिए कौन भेजा, नहीं तो तुम यहाँ बेचने के लिए बैठे हो, हम अपन ड्यूटी कर रहे हैं, हम कहा नहीं करते ड्यूटी, किसके कहने पर ड्यूटी कर रहे हो यहाँ पे आदमी कौन है? उन्हीं तो उन्हीं का काम है, उन्हें लगा के बोलो ना कि यहाँ पे समस्या हो रही है, बताएं वो आप जो भी समस्या कर रहे हैं तो आप ना कर रहे हैं। अब यहाँ ये देखिए तारीख आके बैठिए, ये रसीद देखिए सर, ये रसीद मेरे को दे, जब कटवाया था तो ये बोला था कि नहीं लगेगा भैया ये सब रखना, आप देखिए ये सब बोले थे कि ये रखे रहिए आप और उसके बाद नहीं चढ़ेगा तो मैं ले लूँगा रिटर्न, ये रसीद देखिए, ये ग्रुप की रसीद। अब उन गरीबों को तुम फालतू परेशान कर रहे हो।